स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिस्टियन स्ताद और सिकिप के बीच में होने वाले आज के स्वीडन टी10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों इस स्वीडन टी10 का मैच नंबर 43वां खेला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सारे प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, किस प्लेयर को आपको अपनी टीम में लेना है दोस्तों, और किस प्लेयर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन करके चलना है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना ताकि चीज़ों को समझ जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग फटाफट से आ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब मैच के बारे में। तो दोस्तों मैच नंबर 43वां इस स्वीडन टी10 का खेला जाएगा KRS और SIK के बीच में। 4:30 बजे मैच स्टार्ट होगा दोस्तों। वेदर की बात करें तो रेन के चांस यहां पे नहीं है। वेन्यू रहेगा दोस्तों मरसता क्रिकेट क्लब स्टॉकहोम का। और पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल 40 मैच यहाँ खेले गए हैं। बैट फर्स्ट ने दोस्तों 24 मैच, बैट सेकंड करने वाली टीम ने 15 मैच यहाँ पे विन किया है, और एक मैच जो था नो रिजल्ट यहाँ पे रहा हुआ है, ठीक है। एवरेज स्कोर आपको 100 से 120 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टीम KRS के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों इनकी टीम्स ओपन करेंगे ईशान उल्ला वफा, और उनके साथ दोस्तों नियाज वली साहिल मोस्ट प्रोबेबली दोनों ओपन करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आएंगे फारिद जाहिर। दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं, ईशान उल्ला वफा एक बेहतरीन प्लेयर है, ऑलराउंडर प्लेयर, ठीक है, जो 2 ओवर की बॉलिंग के साथ साथ आपको ओपनिंग आकर के देगा, तो बिल्कुल इसको लेकर के चलना है, इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, ठीक है। नियाज वली साहिल है, एवरेज उतना अच्छा खासा नहीं है टी10 के अंदर। 5 मैच में 8 रन 4 का एवरेज है दोस्तों, ठीक है। लास्ट मैच में 10 पे आउट हुआ था, आप ले सकते हो। ओपनिंग करेगा तो दोस्तों रन्स कर सकता है आप लोग के लिए, बाकी दोस्तों अभी के लिए मैं प्रीफर इनको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको लेकर के चल सकते हो, ठीक है। फारिद जाहिर है, 13 का एवरेज है टी10 के अंदर दोस्तों, और इसने 12 ओवर डाला है, उसमें 1 विकेट है, ठीक है। मतलब इसको विकेट उतना अच्छा खासा नहीं मिलता है, लेकिन ये बॉलिंग कभी भी करा सकता है दोस्तों, ठीक है। और टी10 के अंदर दोस्तों बॉलिंग कराने वाले को किसी भी मैच में विकेट मिल सकता है। ग्रैंड लीग में दोस्तों इनको ट्राई करना है, स्मॉल लीग के लिए तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है, तो ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई करना है इसको। उसके बाद दोस्तों नियामतुल्ला मुसले हैं, इनका भी थोड़ा सा एवरेज डाउन है, 6 मैच में 60 रन 12 का एवरेज है, लास्ट मैच में 3 रन पे आउट हुए थे ये, ठीक है। विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेंगे, आपको लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों, लेकिन अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद साहक फरहाद हैं, 2 ओवर की बॉलिंग करेंगे, ठीक है। बैटिंग से उतना अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस नहीं देंगे, लेकिन बॉलिंग से बिल्कुल दे सकते हैं। हालांकि फर्स्ट मैच में दोस्तों विकेटलेस रहे थे, लेकिन प्लेयर ओवरऑल अच्छे हैं, बिल्कुल टीम में लेकर के चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। अकमल पोपल हैं, टी10 के 4 मैच में दोस्तों 41 रन 18 का एवरेज है, लास्ट मैच पे 0 पे आउट हुआ था, अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी आप चाहो तो रिकॉर्ड आपके सामने है, ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सामी उलाक गुजेर हैं, टी10 के 3 मैच में इनके नाम 46 रन 23 का एवरेज है, और 1 विकेट 3 ओवर डाल के, तो पार्ट टाइम में कभी भी बॉलिंग कराने आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों इनको आप लोग बिल्कुल टीम में लेना चाहो तो आप ग्रैंड लीग की टीम्स में तो ज़्यादा फोकस करना, स्मॉल लीग में भी आप लेना चाहो तो इसको ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नोमन जाहिर हैं, जो कि क्लब टी20 के 7 मैच में दोस्तों 5 विकेट और 11 ओवर डाल के, तो लगभग दोस्तों ये 2 ओवर की बॉलिंग कराता है, ठीक है। लास्ट मैच में भी आप देख सकते हो 2 ओवर की बॉलिंग कराया, 1 विकेट इसको मिला, और बैटिंग से 8 नॉट आउट भी रहा था, ठीक है। तो नोमन जाहिर एक इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है, बिल्कुल आप टीम में लेकर के चलो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हफीजुल्ला सिनवारी हैं, और टी10 के अंदर 6 मैच में 5 विकेट 11 ओवर डाल के दोस्तों लगभग हर मैच में 2 ओवर की बॉलिंग कराने का दमखम रखता है, ठीक है। लास्ट मैच में 2 ओवर कराया, 1 विकेट इसको मिला, और बैटिंग से 9 नॉट आउट किया, ठीक है। बिल्कुल टीम में लेकर के चलना, इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। साजिद खान दोस्तों टी10 के 8 मैच में 44 रन 22 का एवरेज है इसका, और 1 विकेट यहाँ पर इसने लिया, जिसमें 4 ओवर इसने डाले थे, मतलब पार्ट टाइम बॉलर है, फुल टाइम बॉलिंग नहीं कराता, ठीक है। विकेटलेस रहा लास्ट मैच में, 1 ओवर मिला दोस्तों, ठीक है। बैटिंग तो आई नहीं इसकी, लेकिन बॉलिंग आई थी, ठीक है। बाकी ग्रैंड लीग का पिक रहेगा, स्मॉल लीग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इसको, ठीक है। फारिदुल्ला खावरी है दोस्तों, क्लब टी10 के 6 मैच में 3 विकेट 8 ओवर डाल के, लास्ट मैच में दोस्तों 1 ओवर डाला, 1 विकेट मिला, ठीक है। ग्रैंड लीग में ज़्यादा फोकस करना है, स्मॉल लीग में भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें दोस्तों, तो ईशान उल्ला वफा हैं, और यहाँ से दोस्तों आप ट्राई करना चाहो तो फारिद जाहिर को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नीचे से दोस्तों आप लोग साहक फरहाद इंपॉर्टेंट हैं, और सामी उलग गुजेर को किसी टीम में ट्राई करना, ठीक है। हर टीम में नहीं बोलूँगा, बाकी दोस्तों आप देख लीजिएगा। नोमन अजीर हैं इंपॉर्टेंट पिक ट्राइबल, हाफिजुल्ला शिनवारी हैं, और यहाँ से दोस्तों फारिदुल्ला खावरी को टीम में ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड लीग में दोस्तों साजिद खान को बिल्कुल ट्राई करना, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ से बेंच के प्लेयर्स के बारे में देख लीजिए, अच्छे प्लेयर इब्राहिम जाहरी अच्छा प्लेयर ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सरदार साहक साग भी अच्छा प्लेयर है, अच्छा खासा रिकॉर्ड है T10 के अंदर, तो बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे और कोई भी खेलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट दे दूंगा। स्टार्टिंग के ओवर की बात करें तो साहक फरात और हाजीबुल्ला सिनवारी ईशानउल्ला वफा करते दिखेंगे। डेथ के ओवर्स में दोस्तों हाजीबुल्ला सिनवारी ईशानउल्ला वफा आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टीम SIK के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों इनकी टीम से आपको ओपन करते नजर आएंगे अदनान नाजिर, और दोस्तों उनके साथ ओपन करेंगे इरफान नाजिर, ठीक है। मतलब दोनों लास्ट मैच में ओपन कराए थे, हर मैच में दोनों ओपन नहीं कराते, लेकिन दोस्तों लास्ट मैच में ओपन इन्होंने कराया था, ठीक है। अदनान नाजिर को दोस्तों मौका नहीं मिल रहा है इस टीम के पास से, ठीक है। फर्स्ट मैच में इनको मौका मिला था जिसमें दोस्तों 2 ओवर किया, 1 विकेट भी लिया, उसके बाद दोस्तों टीम इनको मौका नहीं दी और परफॉर्मेंस भी नहीं आया। ओवरऑल दोस्तों उनके T10 में तो ठीक ठाक रिकॉर्ड ही है, 9 मैच में दोस्तों 140 रन 17 का एवरेज है। दोस्तों अभी के लिए मैं इनको प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। इरफान नाजिर है दोस्तों, अभी तक उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, ड्रॉप करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। जैन राशिद है जो कि 1 से 2 ओवर की बॉलिंग आपको हर मैच में कराता हुआ दिखेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 21 रन 1 विकेट 2 ओवर डाल के, यहाँ पे 2 विकेट, यहाँ पे दोस्तों 9 रन 1 विकेट 2 ओवर डाल के, यहाँ पे 27 रन, यहाँ पे 12 रन, दोस्तों ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको करके देगा, बिल्कुल आप जैन राशिद को लेकर के चल सकते हो। अबरार अहमद है दोस्तों, जब जब टीम इसको मौका देगी ये 2 ओवर की बॉलिंग जरूर कराने वाला है, ठीक है। क्लब T10 के दोस्तों 6 मैच में इसके नाम 4 विकेट है 12 ओवर डाल के, मतलब ये 2 ओवर बॉलिंग T10 में कराता था, ठीक है। लास्ट मैच में दोस्तों 2 ओवर भी मिला लेकिन उसमें विकेट लेस रहा, 10 रन इसने किए, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको टीम में ट्राई करके चल सकते हो, इवन ग्रैंड लीग में लेकर के चलना ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है, ठीक है। अमित फंगाल है दोस्तों जो 2 ओवर की बॉलिंग करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। लास्ट मैच में 2 ओवर मिला नहीं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट रहता है इनका, ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों 2 2 ओवर कराया दोस्तों, विकेट लेता है, अच्छा खासा प्लेयर है, बिल्कुल लेकर के चल सकते हो, ठीक है। अदनान रजाक है दोस्तों, उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं आया है अभी तक, ड्रॉप करके चल सकते हो। साद असाद है, और ये प्लेयर ऐसा है ना कि जब जब इसको टीम मौका देती है बॉलिंग कर लेता है ये, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 1 ओवर डाला, यहाँ पे 2 ओवर, हालांकि विकेट लेस रहा, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे विकेट ही विकेट मिला है इसको, ठीक है। तो लेना चाहो तो GL में पिक करके चल सकते हो दोस्तों, स्मॉल लीग के लिए आपके लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है। राजा सेल्वराज हैं जो 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर, बिल्कुल स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आप इसको ट्राई करके चल सकते हो। लास्ट मैच में 3 विकेट 2 ओवर डाल के, उससे पहले 21 रन 0 विकेट 2 ओवर डाल के, उससे पहले 1 विकेट, तो दोस्तों बैटिंग या बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस आपको दे करके चल सकता है, ठीक है। मलिक जफर आएंगे, 2 2 ओवर की बॉलिंग लास्ट मैचेस से करवा रहे हैं, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत विकेट लेस जाते हैं, लेकिन प्लेयर शानदार है दोस्तों, चाहो तो बिल्कुल अपनी टीम में रख के चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। बिलाल अहमद है, और इनका T20 के 4 मैच में 3 विकेट है 9 ओवर डाल के, टीम इनको भी 1 से 2 ओवर दे रही है हर मैच में, ठीक है। मौका मिल रहा है इनको, तो बिल्कुल आप ग्रैंड लीग की टीम्स में, स्मॉल लीग की टीम्स में चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सरमद इम्तियाज है, प्लेयर ठीक ठाक है, ओपनिंग करवाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन लास्ट मैच में दोस्तों पूरे लास्ट में बैटिंग करने के लिए आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पिक है, बिल्कुल लेकर के चलना है इसको, ठीक है। हर मैच में लास्ट में बैटिंग करने नहीं आएगा, ओपनिंग आता है, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो अदनान नाजिर को, जैन राशिद, अबरार अहमद को ले सकते हो, अमित पंघल को लेना चाहो तो बिल्कुल लेना, ठीक है। राजा सेल्वराज इंपॉर्टेंट है, और नीचे से दोस्तों आपके लिए सरमद इम्तियाज हैं। बाकी दोस्तों ग्रैंड लीग्स की टीम में मलिक जाफर जैसे प्लेयर्स को ट्राई करना, बिलाल अहमद जैसे प्लेयर्स को रोटेट करना है, ठीक है आप लोग को। बाकी दोस्तों बेंच के प्लेयर्स में यहाँ पे आप देख सकते हो यासिर इकराम इंपॉर्टेंट अच्छा प्लेयर है, तो जब भी खेलेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नावीद अंजुम खेलेगा तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कैप्टनसी प्रोस कैप्टनसी का दावेदार हो जाएगा खेलेगा तो, ठीक है। बाकी दोस्तों सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कोई भी खेलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। स्टार्टिंग के ओवर की बात करें तो अबरार अहमद, अमित पंघल और मलिक जफर करते दिखेंगे। डेथ के ओवर्स में दोस्तों राजा सेल्वराज और जाहिन राशिद बॉलिंग करते दिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करते हैं एक डेमो टीम की। तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से इम्तियाज इंपॉर्टेंट है, तो इम्तियाज को बिल्कुल लेकर के चलना, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों न्यास साहिल को लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो, बाकी दोस्तों अभी के लिए मैं इनको प्रीफर नहीं किया हूँ। बाकी ये भी अच्छा खासा पिक है, आपको ओपनिंग पे बैटिंग करते हुए दिखेगा, 7 विकेट कीपिंग, ठीक है। बैटिंग सेक्शन से दोस्तों बात करें तो यहाँ से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ठीक है, सबसे पहले तो सेल्वराज को अपनी टीम में लेकर के चलना। दोस्तों एस खान को लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो दोस्तों, 1 ओवर कराया था
लेकिन बैटिंग दोस्तों बहुत डाउन था। ठीक है, अनूप गुप्ता यहाँ से खेलता है तो अनूप गुप्ता को अपनी टीम में लेकर के चलिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों खेलने के बहुत कम चांसेस है। ठीक है, बाकी और इदनान नाजिर का रिकॉर्ड उतना अच्छा खासा नहीं है, 7-7 एक ट्रम्प प्लेयर रह सकता है दोस्तों, लेना चाहो तो इसको लेकर के चल सकते हो अपनी टीम में, क्योंकि ये कभी भी ओपनिंग कराता है, कभी भी ये आपके लिए दोस्तों बॉलिंग कराने के लिए आ जाता है। ठीक है, बैटिंग से उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिलाता, लेकिन बॉलिंग से ये विकेट्स ले सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल लेकर के चल सकते हो। और अंडर सेक्शन में आ जाता हूँ मैं, तो दोस्तों यहाँ से नाविद अंजुम खेलते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर बिल्कुल मेरी टीम में। जैन राशिद को मैं टीम में लेकर के चलूँगा दोस्तों, और आई वफा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों साहक फरहाद भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, बिल्कुल आपकी टीम में होना चाहिए। ठीक है, यासिर इकरम प्लेयर है, ठीक ठाक आपके टीम में रहने चाहिए, जब भी खेलेगा आपके लिए पॉइंट देगा, तो अभी के लिए मैं इनको लिया हूँ। अभी दोस्तों मैं बॉलिंग सेक्शन से देखो तो अमित पंगाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एस साख खेलता है दोस्तों तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से एस शिनवारी को अपनी टीम में मैं लेकर के जा रहा हूँ दोस्तों, और नीचे से दोस्तों आप अबरार अहमद को अपनी टीम में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर दोस्तों मलिक जफर को अपनी टीम में ट्राई करना चाहो तो बिल्कुल आप मलिक जफर को भी अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेयर है जिनका नाम है एन जाहिर करके होगा। ठीक है, एन जाहिर मतलब नोमन जाहिर है, इनको भी अपनी टीम में लेना। दोस्तों सिलेक्शन रेट 7% है, लेकिन दोस्तों लास्ट मैच में क्या बॉलिंग कराया था, ये बेहतरीन बॉलर है, बिल्कुल टीम में लेकर के चल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम में आपको अपना टॉस टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। और कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से एन अंजुम खेलते हैं तो इनको बना देना, या फिर दोस्तों आपके लिए जैन राशिद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, आई वफा भी इंपॉर्टेंट है, वाइस कैप्टन कैप्टन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी फाइनल टीम फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।